कक्षा 11वीं गणित मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को सम्मिश्र संख्याएं का इकाई का घनमूल कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें कुछ प्रश्न है, देखते हैं कैसे दिए मैं प्रश्न। तो ये पहला आपको दूसरा प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यदि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हो तो सिद्ध कीजिए। इसके कुछ पार्ट मैंने पहले वाले भाग में करा दिए थे, ये बाकी जो बचे हैं वो यहाँ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी घात 3 है और माइनस है 1 माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी घात भी 3 है। चलिए देखते हैं, तो पहले वही बनाने की कोशिश होती है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो 0 के बराबर होता है, तो 1 प्लस ओमेगा और प्लस का ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर करना पड़ेगा जिससे कि माइनस ओमेगा स्क्वायर बच जाए। अब माइनस यहाँ भी है, वहां भी देखिए क्या है, 1 प्लस इसके ऊपर पावर 3 भी है बच्चों, तो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी देखना है माइनस का ओमेगा था तो माइनस का 2 ओमेगा करना पड़ेगा, इस पूरे की पावर 3 भी है। तो देखिए कितना हो गया, ये 0 हो गया और माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर है, इसकी घात 3 हो गई और माइनस है यहाँ, यहाँ भी 0 हो जाएगा, माइनस का 2 ओमेगा इसकी भी घात 3 हो गई। तो जरा देखिए क्या होगा, ये माइनस की घात है तो माइनस 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 मतलब 8 हो जाएगा और ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा और माइनस ये माइनस इसको प्लस कर देगा और 2 की घात 3 तो 8 हो जाएगा और ओमेगा क्यूब हो जाएगा। चलिए देखिए माइनस का 8 है, इसे हम ओमेगा क्यूब का स्क्वायर कह देंगे और प्लस 8 और ओमेगा क्यूब का मान जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ रख दीजिए माइनस 8 है और ये 1 का स्क्वायर बच गया और ये 8 हो गया, कुल मिला करके माइनस 8 और प्लस 8 हो गया जो कि 0 के बराबर है और ये ही हमारी राइट हैंड साइड है, तो ये सिद्ध हो गया। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 माइनस ओमेगा है, दूसरे में क्या है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है और तीसरे में है 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 है और 1 प्लस माइनस है बच्चों ये ओमेगा की घात 8 है, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, 9 के 1 पर लाना है। चलिए देखते हैं इसमें भी कैसे बनता है, तो बनाना वैसे ही सब में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, इसकी गुणा कर लेते हैं बच्चों, ऐसे ठीक नहीं लग रहा है तो पहले गुणा करके देखते हैं इसको भी, तो जाते बढ़िया रहेगा। तो 1 की गुणा ये 1 से कर दी हमने, फिर 1 की मल्टीप्लाई से यानी कि ओमेगा स्क्वायर से करना है, तो ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का ओमेगा हो जाएगा और माइनस का ओमेगा होने के बाद फिर ये प्लस का ओमेगा क्यूब हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसको 1 माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कर देंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस कितना ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की पावर कितना हो जाएगा 2 कर देंगे तो पावर 6 होगी और 2 और बची रहेगी तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको सही कर लेते हैं, ब्रैकेट जरा चेंज कर लेंगे आप लोग, तो ये कितना हो गया बच्चों देखते हैं इसमें, तो इसमें 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, माइनस ओमेगा है और ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो ये लिख दिया यहाँ पे हमने। अब इसे जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये 1 माइनस ओमेगा क्यूब का मान 1 है और इंटू ओमेगा हो गया और यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया और ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ये आपका हो गया 1 और 1 2 हो गया, माइनस का ओमेगा हो गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये जो बचा 1 माइनस ओमेगा और यहाँ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बच गया। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये ऊपर जो चल रहा था 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर दोनों एक जैसे हो गया, मतलब हल करने पर ये भी इतना ही आएगा। तो चलते हैं इसको सही करने की कोशिश करते हैं, तो दोनों सेम हो गए हैं अब, तो 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पर भी 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब क्या हो गया, ये 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का कितना हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं,
ये हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी घात कितनी है, 2 है। तो ये आ जाएगा 3 और माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे की घात कितनी है, 2 है। मान रख दीजिए तो 3 माइनस 0 हो जाएगा और इसकी घात 2 हो गया, और 3 की घात 2 9 होता है, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है बच्चों, और यही ये सिद्ध हो जाए। इन सब में हमेशा ध्यान रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है और ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। ऐसे ही ओमेगा की पावर 4 का मान ओमेगा होता है, ओमेगा की पावर 5 का मान ओमेगा स्क्वायर होता है। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाकर के प्रश्न हल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हल हो पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ भी लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो फिफ्थ पार्ट है, क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए। तो 1 प्लस ओमेगा है और साथ में क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, और ये 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 है, और ये 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 है। तो चलो इसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। पहले 2 की गुणा कर लेते हैं, ये वैसे ये दोनों और ये दोनों एक ही है, तो फिर भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो गुणा करते हैं, पहले 1 से होगी तो 1 आएगा, फिर इसकी ओमेगा स्क्वायर से तो प्लस का ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा करेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा, इससे करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। चलिए अगले को जरा सही करना है, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा हो जाएगा, और अगला कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर कर देंगे तो पावर 6 हो गई, तो एक स्क्वायर और बच जाएगा। चलिए इसको हल करिए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है इंटू ओमेगा हो गया, और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब का मान 1 हो गया, और ये ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। इसको जरा सही करिए, तो इस पूरे का मान 0 होता है और प्लस का 1 आ गया ये, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो ये 1 प्लस ओमेगा आ गया, और यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। देखो ध्यान से, ये जो ऊपर चला था इतना जो वाला पार्ट है, यही पार्ट यहाँ पर भी आ गया, मतलब इसको भी हल करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो ये आ गया आपका कितना, 1 आ गया, और इस पूरे का मान भी 1 ही आ जाएगा, तो कितना हो गया, ये 1 हो गया, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। चलिए इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम। कितना है ये, 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 है, और प्लस है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर है, होल क्यूब है बच्चों। चलिए देखते हैं इसमें, तो पहले इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनाया तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ये पूरे की पावर 3 हो गई। और जरा यहाँ प्लस कर लीजिए, कितना है ये, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस का ओमेगा करना पड़ेगा, और पूरे की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। ये हो गया 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर की घात 3 हो गई, और प्लस ये 0 माइनस ओमेगा की घात 3 हो गई। चलिए देखते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा बाहर, ये ओमेगा की पावर 6 हो गई, और ये भी माइनस आ जाएगा, ओमेगा की घात 3 हो जाएगा। तो ये माइनस ओमेगा क्यूब का तो स्क्वायर हो गया, और माइनस का ये ओमेगा क्यूब का मान 1 हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 1 हो गया, यानी माइनस 1 और माइनस 1 कुल मिलाकर के माइनस 2 हो गया, जो कि राइट हैंड साइड है, और यहीं पे ये सिद्ध हो जाता है। चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये 0 दे रखा है, इसमें इससे करके दिखाना है -16 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, तो ये है आपका 1 माइनस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3 प्लस 1 प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर पूरे की पावर 3 है। चलिए हल करके देखते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर कर दिया तो ये माइनस का ओमेगा था तो माइनस का 2 ओमेगा करना पड़ेगा, तो इसकी पावर 3 हो गई। और यहाँ पर भी ऐसे करना है, 1 प्लस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, जिससे कि माइनस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, लेकिन घात इस पे 3 है,
कितना हो गया ये 0 माइनस 2 ओमेगा की घात 3 हो गई, और प्लस ये भी 0 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। तो माइनस की घात 3 है तो माइनस ही आएगा, तो 2 × 4 × 8 यानी कि माइनस का 8 हो गया और ओमेगा की हो गया, यहाँ पर भी माइनस का 8 हो जाएगा और ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा। तो माइनस 8 ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, माइनस 8 है इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो माइनस का 8 हो गया और माइनस 8 और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के माइनस 8 और माइनस 8 और इनटू 1 हो गया, यानी कि माइनस 8 और माइनस 8 कितना हो गया, माइनस का 16 हो गया। और यही जो है हमें राइट हैंड साइड में लाना था, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, ये कुछ और आपको दिखाई दे रहा है, इसके दो पार्ट हैं आपको दिए हुए यहाँ पे। पहला पार्ट है आपका, पहले पार्ट में है आपका कि x बराबर है a और y बराबर है b ओमेगा और z बराबर है c ओमेगा स्क्वायर। तो पहला पार्ट है x y z इक्वल टू a b c, तो फर्स्ट पार्ट को लेके चल रहा हूं मैं। चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में x y और z आ गया है, तो चलते हैं x y z मतलब इसके मान को रख के देखते हैं कितना आता है। x का मान है a और y का मान है b ओमेगा और z का मान है c ओमेगा स्क्वायर। चलिए रख दिया, तो यहाँ तो ए बी सी गुणा करके एक जगह आ जाएगा, लेकिन ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो ए बी सी और ओमेगा क्यूब का मान एक होता है, तो ये कितना आ गया ए बी सी, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो यही सिद्ध हो गया बच्चों, ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन, आराम से जाएगा। हम सेकेंड पार्ट की तरफ भी पढ़ लेते हैं, जरा क्या है ये सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट लेके चल रहे हैं। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे इसमें भी, तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले रहा हूं मैं, कितना आ जाएगा ये x है बटे में a है प्लस है y बटे में b है प्लस का z है और बटे में c है। चलिए देखते हैं x का मान कितना है, a है तो a बटे a हो गया प्लस y का मान कितना है b ओमेगा है और बटे में b है और z का मान जो है वो c ओमेगा स्क्वायर है तो बटे में सी है। तो ये ए से ए कट जाएगा तो यहाँ तो वन बच जाएगा, यहाँ बी से बी कट जाएगा तो ओमेगा बच जाएगा और यहाँ सी से सी कट जाएगा तो ये बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर, लेकिन इसका मान जीरो होता है और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसका मतलब ये भी सिद्ध हो गया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसके राइट हैंड साइड ले लेते हैं। चलिए राइट हैंड साइड की तरफ वर्क करते हैं हम, कितना है ये, ये है एक्स माइनस ए नहीं ओमेगा है बच्चे, ये एक्स माइनस ओमेगा वाई है और दूसरा यहाँ पर है एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। चलिए इसकी गुणा करके देखते हैं क्या होता है, एक्स की गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके इससे गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स वाई और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस ओमेगा वाई की गुणा करेंगे एक्स से तो माइनस का एक्स वाई आएगा और ओमेगा आ जाएगा। अब माइनस का ओमेगा वाई की गुणा माइनस के ओमेगा स्क्वायर वाई से करेंगे तो ये तो एक तो प्लस आ जाएगा और दूसरा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ जाएगा। जरा इसको सही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस का ये एक्स वाई है तो बच्चों एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ इसमें, तो क्या बचेगा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा और ओमेगा बच जाएगा और यहाँ से ओमेगा क्यूब का मान वन होता है और ये वाई स्क्वायर हो गया। चलिए और हल करने की कोशिश करते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का एक्स वाई है, यहाँ बच्चों वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बना लेता हूँ तो माइनस का वन करना पड़ेगा क्योंकि वन ऐड किया मैंने जोड़ा इसमें और ये प्लस का वाई स्क्वायर अपनी जगह पर है। तो अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का एक्स वाई है, इसका मान जीरो होता है, माइनस का वन है और प्लस का ये वाई स्क्वायर हो गया, कितना आ गया ये एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई हो जाएगा और प्लस का वाई स्क्वायर हो गया जो कि राइट हैंड साइड है। ये राइट हैंड साइड तो ली बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी ना, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड और यही हमें सिद्ध करना था। चलिए ठीक है,
ये अगला पार्ट है, इसमें भी हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड ही लेना है, तो राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। कितना है हमारे पास है, एक्स प्लस वाई ओमेगा है, और इधर क्या है, एक्स है और प्लस का वाई ओमेगा स्क्वायर है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, एक्स की गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स की गुणा वाई से करेंगे तो एक तो एक्स वाई आ जाएगा और बाद में ओमेगा स्क्वायर भी दिया हुआ इसके साथ, प्लस इस वाई ओमेगा की एक्स से गुणा करेंगे एक तो एक्स वाई आ जाएगा, साथ में ओमेगा आ जाएगा। लास्ट में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर और ओमेगा क्यूब बन जाएगा। चलिए मान रखने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, ओमेगा बच जाएगा और प्लस का वाई स्क्वायर है और ओमेगा क्यूब का मान वन होता है। ध्यान रखना बच्चों, क्या रखना है कि ओमेगा क्यूब तो वन होता है और साथ में वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जीरो होता है, और ओमेगा की पावर फोर ओमेगा होता है, ओमेगा की पावर फाइव ओमेगा स्क्वायर होता है। ये मान याद रखने से सॉल्व करने होते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का, यहाँ तो एक्स वाई रहने दीजिए, इसको पहले संभाल के लिख लेते हैं, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर और साथ में माइनस वन और आ जाएगा, और प्लस का कितना है, ये वाई स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और इसका मान हो गया जीरो माइनस वन और प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई हो जाएगा और प्लस का ये वाई स्क्वायर हो गया। और यही बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ चुकी है और यही हमें सिद्ध करना था, तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए इजी है क्वेश्चन वैसे। चलिए यहाँ पर भी एक ऐसा ही प्रश्न दिया जा रहा है, इसका तीसरा पार्ट चल रहा है, तो इसमें भी हमें राइट हैंड साइड ही लेनी है बच्चों, ध्यान रखना। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ लिख लेते हैं जरा, ये है एक्स माइनस वाई है और साथ में क्या है, एक्स माइनस ओमेगा वाई है और एक और है एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। चलिए देखते हैं हल करके, तो एक्स माइनस वाई को तो कुछ नहीं करना है इसके, लेकिन गुणा करनी है, एक्स की एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस एक को चिन्ह आएगा और एक एक्स वाई आएगा, साथ में ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस ओमेगा वाई की गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स वाई तो आएगा माइनस चिन्ह के साथ और साथ में क्या आ जाएगा, ओमेगा और बन जाएगा। और यहाँ देखिए ओमेगा की ओमेगा से करेंगे ओमेगा क्यूब हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का वाई स्क्वायर हो गया और ओमेगा क्यूब हो गया। चलिए ये ब्रैकेट बंद हो जाता है, तो यहाँ क्या हो गया, एक्स माइनस वाई है, यहाँ से देखिए ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बन जाएगा और प्लस का वाई स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब का मान वन होता है। तो चलिए देखिए एक्स माइनस वाई हो गया यहाँ पे, और ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का एक्स वाई आ गया, लेकिन यहाँ पर जो क्या करना है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो एक इसमें जोड़ा है तो एक आप माइनस भी कर दीजिए, और प्लस का कितना बचा हुआ है, वाई स्क्वायर बचा हुआ है। देखिए क्या हो गया, ये एक्स माइनस वाई है और यहाँ क्या बच गया, ये तो एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस का एक्स वाई है और ये जीरो माइनस वन हो जाएगा और प्लस का वाई स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, तो क्या बचा, एक्स माइनस वाई बच गया और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का एक्स वाई हो गया और प्लस का वाई स्क्वायर हो गया। और यही बच्चों देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, मतलब ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला है और ये आपकी क्या चीज है, लेफ्ट हैंड साइड है। यही तक आपको सिद्ध करना था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ बच्चों, नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या मुझे भेजना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।